स्वामी जी, हमारा साध्य है मोक्ष, और मैं जल्दी मोक्ष जाना चाहता हूँ, ये मेरे भीतर तीव्र इच्छा है जी। लेकिन जिस क्षेत्र में हम रह रहे हैं वो हमारा भरत क्षेत्र है। वहाँ पे ऐसा बताया जाता है कि जम्बू स्वामी ने भरत क्षेत्र के अंदर मुक्ति के ताले दे दिए, यानी अभी मुक्ति बहुत दूर है। छठा आरा, पहला आरा, दूसरा आरा, तीसरा आरा के अंत के बाद से प्रारंभ होगा। तो हम किस तरीके से महाविद्य क्षेत्र जहाँ पर सिमंदर स्वामी विराजमान है, तो क्षेत्र का थोड़ा सा, आप ज्ञानी पुरुष है, आपके पास के अंदर बहुत बड़ा ज्ञान है, तो महाविद्य क्षेत्र क्या है, सिमंदर स्वामी क्या है, वहाँ आरा किस प्रकार चल रहा है, और वहाँ हम कैसे पहुँच सकते हैं अगले जन्म में या आने वाले जन्मों के अंदर, कृपया इस की ओर हमें थोड़ा सा आप ज्ञान जो है प्रकाशित करें। सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, धन्यवाद बहुत प्रश्न के लिए। पहली बात तो यह है कि मुक्ति का मार्ग कभी बंद नहीं होता है, कभी भी बंद नहीं होता है, मगर मुक्ति पाने के लिए जो एनवायरनमेंट चाहिए वो अगर नहीं होता है तो केवल ज्ञान और मोक्ष होना संभव नहीं है। मगर मार्ग तो हर समय चालू है, मार्ग बंद नहीं होता है, क्योंकि इतना बात समझो कि अगर मैं भी महाविद्य क्षेत्र में जाके मोक्ष में जा सकता हूँ, मगर महाविद्य क्षेत्र में जाने के बाद जाने की लायकात, जाने तक की क्वालिटी, जाने तक का मेरा ज्ञान, दर्शन और चारित्र, वो तो मेरे को यही अवतार में प्राप्त करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैं वहां जाके प्राप्त करूंगा और वहां मोक्ष होगा, नहीं होगा। क्वालिफिकेशन तो यहाँ ही चाहिए, वहां रिजल्ट आएगा, बाकी का जो परसेंटेज बाकी है 5% वो वहां होगा, 95% तो हमको यहाँ ही मुक्ति के मार्ग में आगे चलने के लिए सनातन सत्य को लक्ष्य में रख के अज्ञान यहाँ इसी बर्थ में मिटाना पड़ेगा। तो ये मत समझो मार्ग बंद हो गया है, अल्टीमेट ट्रूथ इस बर्थ में नहीं हो सकता है। कहीं हद तक 80-90-95% हम अपने अज्ञान को मिटा सकते हैं, और 5% का जो एक्सपीरियंस है, फाइनल एक्सपीरियंस ऑफ द सोल, जिसको कहते केवल ज्ञान, ये इस काल में, इस बर्थ में, इस भरत क्षेत्र में, इस मानव शरीर के साथ हम नहीं प्राप्त कर सके। मैं मानता हूं इसमें कोई मेरे को शंका भी नहीं है, मगर हम ये कहेंगे कि मार्ग बंद हो गया है वो सही नहीं है। अगर कोई कहेगा कि मेरा गांव है, वो मेरे गांव के अंदर स्कूल में जाकर 7 किताबें पढ़ सकता हूं, तो मैं ये नहीं कह सकता हूं कि मेरे गांव में से कोई ग्रेजुएट नहीं हो सकता है। भाई यहां 7 किताब पढ़ के आप आगे स्कूल, आगे सिटी में जाके आगे पढ़ सकते हैं, कॉलेज भी पढ़ सकते हैं, इसके आगे यूनिवर्सिटी में जाके पीएचडी भी हो सकते हैं। तो गांव में नहीं है इसका मतलब कोई नहीं पा सकता है, ऐसा तो हम नहीं बोल सकते हैं। यानी ये गांव के अंदर यहां तक का एजुकेशन है, इतना बोल सकते हैं, मगर आगे शहर में जाएंगे तो आगे भी पढ़ाई कर सकते हैं, उसके आगे यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो पीएचडी भी हो सकते हैं, मतलब हर कंडीशन होती है। तो कहने का मतलब यह है कि हमको भी इसी क्षेत्र में से अगर हमको मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना है तो सनातन सत्य, आध्यात्म विज्ञान, लॉ ऑफ नेचर, यूनिवर्सल ट्रूथ साइंस, ये सब कुछ यहाँ ही समझना पड़ेगा, यहाँ ही उपयोग करना पड़ेगा, और या इसी जन्म में हमको कहीं हद तक हमारी जो रॉन्ग बिलीफ रूप जो अज्ञान है, जो मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म से जुड़ा है, इसको भी यही बर्थ में एज फार एज पॉसिबल मिटाना पड़ेगा। इसीलिए मार्ग बंद नहीं है, सिर्फ अल्टीमेट नहीं प्राप्त होता है। तो हम ये समझना चाहेंगे कि हम इस कलयुग के अंदर कहाँ तक जा सकते हैं, इस कलयुग के अंदर हम केवल दर्शन से बहुत नज़दीक जा सकते हैं, केवल दर्शन भी 360 का डिग्री का चाहिए,
और 360 डिग्री का केवल ज्ञान का मतलब होता है केवल अज्ञान का नाश। वो संपूर्ण नाश इस काल में, इस क्षेत्र में, इस मानव बॉडी के साथ नहीं हो सकता है। मगर आप 360 नहीं पर 350 प्लस तक पहुंच सकते हैं और अपने आप को केवल ज्ञान के बहुत नजदीक पहुंचा सकते हो। हो सकता है अगर आप 350 प्लस पहुंचने के बाद जो कुछ भी थोड़ा अज्ञान आपके पास बचा हुआ है वो नेक्स्ट बर्थ में वही अज्ञान निकाल के केवल ज्ञान का बीज डालोगे उसी अवतार में, तो नेक्स्ट बर्थ में, उसके नेक्स्ट बर्थ में आपको केवल ज्ञान मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मार्ग बंद हो गया है। अल्टीमेट ट्रूथ हम इस बर्थ में, इस काल में, इस क्षेत्र में नहीं प्राप्त कर सकें, मगर 95%+ तक तो हम जा सकते हैं। आइए हम सब आगे बढ़ने की कोशिश करें और अंतिम सत्य के लिए हमको महाविद्या क्षेत्र, जहाँ सतयुग है, जहाँ केवल ज्ञान है, जहाँ तीर्थंकर की उपस्थिति है और जहाँ से केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष में भी जा सकते हैं, तो वहाँ भी जा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है हम महाविद्या क्षेत्र कैसे जाएंगे? कुदरत का कानून यह है कि महाविद्या क्षेत्र मांगने से महाविद्या क्षेत्र नहीं मिलेगा। अगर मांगने से मिल भी गया इसका मतलब ये नहीं है कि आपको केवल ज्ञान होगा। सबसे पहली बात यह है इस क्षेत्र में हम केवल ज्ञान के लिए लायक बने, इतना तो कर सकते हैं। और लायक बनने के बाद कुदरत को हम प्रार्थना करेंगे कि हे कुदरत हमको आगे जाके अगर हमारी जो कुछ क्वालिफिकेशन है उसके मुताबिक आगे का मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संजोग हमको प्राप्त करवा दे। तो अगर हमारा कर्म सतयुग के लायक होगा तो सतयुग में जन्म मिलेगा, और सतयुग में भी कहाँ मिलेगा? जहाँ हम आत्मा की प्रगति के लिए आगे बढ़े, ऐसे जहाँ तीर्थंकर भगवान और केवली भगवान तो उपस्थित होंगे उसी क्षेत्र में हमारा जन्म होगा, उसी एनवायरमेंट में हमारा जन्म होगा, और बाकी का अज्ञान वही एनवायरमेंट में निकाल के नेक्स्ट बर्थ में केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष में जा सकते हैं। बड़ी बात यह है ये मत समझो कि इस बर्थ में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बड़ी बात यह है हम इस बर्थ में केवल ज्ञान के लिए, मुक्ति के लिए बेस बना सकते हैं, और वो बेस बनाना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना बेस अगर महाविद्या क्षेत्र भी मिल गया, सिमंदर स्वामी का सानिध्य भी मिल गया, दीक्षा भी ले लिया, उसका मतलब यह नहीं है कि केवल ज्ञान होगा और मोक्ष भी होंगे। इम्पॉसिबल। आपका विकास होना चाहिए, आपका डेवलपमेंट होना चाहिए, आप मुक्त पुरुष का ज्ञान दर्शन के लेवल को अनुभव करना ये आपकी दृष्टि होनी चाहिए, तभी आपको केवल ज्ञान हो सकता है। केवल महाविद्या क्षेत्र में जाने से, सिमंदर स्वामी का दर्शन करने से केवल ज्ञान नहीं होता है। मैंने बहुत सारे सत्संगों में कहा है कि महाविद्या क्षेत्र हमारे भरत क्षेत्र से 32 टाइम बड़ा है, 32 टाइम, और 32 गुना ज्यादा है, पॉपुलेशन भी 32 टाइम है। उसमें से सिर्फ 1% लोग सिमंदर स्वामी को, समंदर स्वामी का दर्शन कर सकते हैं। ओनली 1% आउट ऑफ 100%। इसमें से 1% लोग इसकी बात, आउट ऑफ 1% लोग उनकी बात को समझ सकते हैं। उसी समझने वाले लोगों में से 1% लोग उनके पास दीक्षा लेते हैं। इसमें से दीक्षा लेने वालों में से 1% लोगों को केवल ज्ञान होता है। आप समझ सकते हैं कि ये स्टैटिस्टिक क्या है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द फैक्ट, डोंट क्रिएट द इल्यूजन और डोंट क्रिएट द पजल इन योर लाइफ एंड डोंट फॉलो ब्लाइंडली। थिंक अबाउट प्रैक्टिकली, देन यू गो अहेड। मेरा कहने का मतलब ये है सच्चाई को समझने की कोशिश करो, प्रयास चालू रखो, मगर भ्रांति से आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, हो सकता है यही भ्रांति आपके लिए घातक साबित हो सकती है। तो आइए हम खुद को केवल ज्ञान और केवल दर्शन के फील्ड में आगे ले जाएं और मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मोहनीय कर्म अपने आप में से निकालें
इनटू इन्वर्टेड कोमा अज्ञान से निकाले और कहीं हद तक हम 95+ की ओर आगे जाइए मुक्ति के मार्ग में, और हो सकता है हमारा नेक्स्ट बर्थ महाविद्या क्षेत्र में हो, जहाँ से हमारा जो कुछ भी अज्ञान है बचा हुआ है वो निकल जाए और उसके आगे नेक्स्ट बर्थ में हम भी केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष में जाएं। यही शुभकामना के साथ, जय सच्चिदानंद।